16 चुनाव बीते, करनाल से नहीं चुनी गई कोई महिला सांसद, इस नेत्री को भी खानी पड़ी थी मुंह। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। चुनावी महासमर तेजी से आगे बढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस, जजपा, इनेलो समेत दूसरे दल उम्मीदवार उतारने के लिए मंथन में ही जुटे हैं। इस सीट की बात करें तो वर्ष 1957 से 1962 तक केवल एक बार कांग्रेस की सुभद्रा जोशी संसद पहुंची थी, उस समय संयुक्त पंजाब होता था। इसके बाद किसी महिला के सिर जीत का ताज नहीं सज सका है। सुषमा स्वराज भी नहीं जमा पाई अपने कदम। भाजपा की कद्दावर नेत्री रही सुषमा स्वराज 1980, 1984 और 1989 में यहाँ से हार चुकी हैं। हालांकि यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या हर लोकसभा चुनाव में बढ़ती रही है। प्रदेश से अब तक 6 महिलाएं ही संसद तक पहुंची हैं। सुषमा स्वराज ने करनाल सीट से पहला चुनाव जनता पार्टी के टिकट पर वर्ष 1980 में लड़ा था। उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस की चिरंजीव लाल शर्मा से था। इतने वोट से रही पीछे सुषमा 1,29,458 वोट ही ले पाई थी। चिरंजीव लाल को 1,51,786 वोट मिले थे। सुषमा स्वराज ने 1984 में दूसरा चुनाव लड़ा, चिरंजीव लाल फिर उनके सामने थे। इस चुनाव में सुषमा तीसरे नंबर पर रही और मात्र 77,870 वोट मिले। दूसरे स्थान पर ICJ के देवी सिंह रहे, उन्होंने 1,48,111 वोट हासिल किए थे। हार के बाद से नहीं लड़ा हरियाणा से चुनाव। चिरंजीव लाल को जीत मिली, उन्हें 47,063 वोट मिले थे। वर्ष 1989 में सुषमा ने एक बार फिर करनाल सीट से ही किस्मत आजमाई और फिर पराजय का सामना करना पड़ा था। सुषमा स्वराज को 2,65,792 वोट मिले और चिरंजीव लाल शर्मा को 2,74,465 वोट मिले थे। इसके बाद सुषमा ने कभी हरियाणा से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। 6 महिलाएं ही सांसद, 1966 के बाद 6 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं। इनमें चंद्रावती, सुधा यादव, श्रुति कैलाश देवी, सुनीता दुग्गल और कुमारी शैलजा हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।